सिंगरौली में एनटीपीसी पावर प्लांट के फ्लैश एस डैम की राख से नगर निगम इलाके में रहने वाले लोग परेशान हो गए। बस्ती में करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित एस डैम से उड़ने वाली धूल बस्ती में रहने वाले लोगों को प्रभावित कर रही है। इस समस्या पर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। और यहाँ पानी की समस्या है, बहुत है, लाइट तो रहती ही नहीं है। कौन सा ये वार्ड है? वार्ड नंबर 38 है, बलियरी। और यहाँ पे एक एनटीपीसी का एस डैम बना है, क्या दिक्कतें होती है उससे? बहुत धूल उड़ती है, धूल के अलावा पूरे घर में धूल घुस जाती है। लाइट की सुविधा सरकार अन्ना क्या बोलते है ना, पानी की तो है ही नहीं। आदमी की लाइट लगी लग देख लीजिए, अभी भी कटी लग। कल बिजली विभाग 40 बार फोन लगाए, तब तक जाना जेई साहब से पहचाने, तब फिर वो चालू कराए। अच्छा 2 बजे से अभी गोल हो गई होगी, फिर 6 बजे चालू करते हैं, बताइए। यहाँ राखड़ उड़ता है, हम लोग के घर पर जम जाता है, खाने पीने में दिक्कत है, न तो पानी का भी दिक्कत है, पाइप लाइन कनेक्शन नहीं आया है, और जो चापाकल है उसमें भी पानी नहीं निकल रहा है, न तो बरसात में हम लोग के घर में पानी चला जाएगा, नली नहीं है। अभी 2 महीने की है, 15 दिन की बाद मान लीजिए कि अभी टेंडर हो जाएगा तो राखड़ गाड़ी चलने लगेगी, पूरे धुआंधार हो जाएगा यहाँ पे। और